फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इक्लब स्टूडियो। मैं हूं रश्मि, और अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको सारे अपडेट्स मिल सके। सो बिग बॉस 12 में हो रहा है बहुत सारे हंगामे, यानी कि पूरा का पूरा ग्रुप तो टूट ही चुका है हैप्पी क्लब। अब यहाँ पे दीपक और रोमिल, जो कि बहुत ही अच्छे दोस्त थे, और रोमिल का जहाँ तक ये भी कहना है कि दीपक जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, यानी कि वो पूरा 12 का 12 सीजन देख के आए हैं और उन्होंने हमेशा एक लड़कियों पर ही वॉर किया, यानी कि वो लड़कों से कभी भिड़ते नहीं। इस बात पे भी बहुत सारी बवाल होने वाली है, लेकिन फिलहाल दीपक और रोमिल के बीच में हुई है छिड़ी है जंग, यानी कि दीपक का कहना है कि ये रोमिल रहने के लायक नहीं है डॉल, जहाँ पे वो कहते हैं कि इसके पास दिमाग नहीं है, रोमिल ये बोला है उससे। और इसी बीच में रोमिल और दीपक के बीच में होगी बहुत बड़ी फाइट, यानी कि जब एक टाइम था तो हैप्पी क्लब एक साथ थे। अब सुरभि का भी ये कहना है कि इस रोमिल को मास्टरमाइंड हमने बनाया है क्योंकि हमें अपने ग्रुप के लिए यूज करना था, तो जहाँ पे दोस्ती यूज की जाती है वहां पे तो अब कौन सी दोस्ती टिकेगी और क्या होगा ये तो अब हैप्पी क्लब वाले ही बताएंगे, जो कि अब हैप्पी क्लब बिल्कुल भी हैप्पी नहीं रह चुका है। आपको क्या लगता है, दीपक और रोमिल, यानी कि इन दोनों में से कौन है सही और कौन है गलत, आप कमेंट करके जरूर बताइए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। सो बाय, टेक केयर।